आप लोग देख रहे हैं बागेश्वर धाम का सीरीज, बाहर से भी थोड़ा दिखा दो, ऐसे सेल्फी लेते हुए गुरु जी के साथ में आप लोग देख। वर्ष 1996 में प्रभु के ग्राम गड़ा में एक गुरु जी के सारे कायाकल्प है, वो भी देखा, देखो कहाँ कहाँ मिल चुके हैं। यहाँ पे गुरुदेव का प्रथम जो जन्म स्थली थी उसको परिदृश्य किया गया है। 1998 में उनका जन्म हुआ था। हम बड़े ही दुखित परिवार थे। बागेश्वर धाम पे मौजूद है, पर जो दर्शनात्री आए हुए हैं गुरु जी। दोस्तों जय सियाराम, जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा की जय हो। इस समय आप लोग देख रहे हैं बागेश्वर धाम का सीरीज। इस वीडियो में आपको दिखाएंगे, यहाँ पर दिखाओ भाई, है विशाल का एक भाई गेट बनाया गया और आपको ले चलते हैं अंदर, जहाँ पर गुरु महाराज जी दर्शन देते हैं, आते हैं और सारे व्यवस्था यहाँ पर होते हैं, जो कि आपको ले चलते हैं, थोड़ा दिखाते हैं, बाहर से भी थोड़ा दिखा दो ऐसे। इस वीडियो में दिखाएंगे गुरु जी के जन्म से लेकर 1996 से लेकर आज तक का पूरा विवरण दिखाएंगे, पूरा प्रदर्शनी दिखाएंगे। आइए अंदर लेकर चलते हैं भाई, अंदर चलते हैं, आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं थोड़ा सा क्या क्या व्यवस्था है, कितना भव्य व्यवस्था यहाँ पर किया गया, जो कि आप लोगों को दिखाते हैं थोड़ा सा। जय श्री बागेश्वर, जय श्री बागेश्वर, जय श्री बागेश्वर, दर्शन देके प्रवेश आ जाओ थोड़ा। यहाँ पर गुरु महाराज जी के दर्शन और यहाँ पर सेल्फी लेते हुए गुरु जी के साथ में आप लोग देख रहे, तो जय श्री, कमेंट में जय श्री राम लिखिए, कमेंट में आओ आ जाओ, एक एक करके दिखाओ बारी बारी से भाई। राम राम, यहाँ पर राम 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 राम, कोई भी चीज टच ना करे, दूर से दर्शन करे, दूर से देखे, यहाँ से दिखाओ, ऐसे करके आओ। कहाँ से है भैया? भैया अलीगढ़ से। कैसा लग रहा है यूपी? अलीगढ़, यूपी बढ़िया लग रहा है, मुंबई कार्यक्रम, मुंबई बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा महाराज जी, बहुत एकदम शांत, एकदम मन। कब आए महाराज? आज ही आए। कब? कल तक रुकोगे? नहीं, हम मंगलवार तक रुकेंगे, बुधवार को जाएंगे, बुधवार को जाएंगे। जी जी, तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई। यहाँ पर जो व्यवस्था, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, जन्मभूमि, मतलब वर्ष 1996 में प्रभु के ग्राम गड़ा में एक निर्धन परिवार के एक बच्चे अंधेरे में कमरे में पूज्य महाराज श्री का जन्म हुआ। यही से उन्हें अपने माता पिता का द्वारा विपरीत परिस्थितियों में जीवन जीने की शक्ति और शिक्षा मिली। तो ये जो सारे भाई उनका आप क्या देख पा रहे हैं, मैं यही दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पर गुरु जी की जन्म से लेकर उनकी दीक्षा से लेकर सारे कुछ यहाँ पर दिखाए जा रहे, और यहाँ पर जो देख पा रहे भाई एक एक करके भाई, ये सारे चीज देख पा रहे ना गुरु महाराज जी। हाँ थोड़ा सा दिखाओ गुरु जी के बाल्य अवस्था भाई, दादा गुरु जी के तस्वीर भी वहां पर है, दादा गुरु जी है ना, ये गुरु जी की भाई देखो। तो ये सभी जो भाई देख पा रहे बागेश्वर धाम के हमारे गुरु जी, ये राम भद्राचार्य जगत गुरु भाई उनके साथ देख पा रहे। आओ थोड़ा सा मैं और दिखाना चाहता हूँ भाई, यहाँ पर गुरु जी के सारे कायाकल्प है, देखो मेरे राम, जय श्री राम भैया। पर ये थोड़ा सा बताएं वैसे भी आपको दिलाएंगे, यहाँ पर इस तस्वीर को देखा, ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं गुरु जी की, और गुरु जी किस किस से मिलते हैं वो भी दिखाओ, देखो कहाँ कहाँ मिल चुके हैं, कहाँ कहाँ वो भाई क्या क्या सम्मान उनको मिल चुका है, इस तरफ भी आप दिखाओ थोड़ा सा, इस तरफ सम्मान भी मिल चुका है। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा ये गौ माता का चित्र भी यहाँ पर दर्शाया गया, और बागेश्वराय नमः वो वहां पर जो भाई ये देख पा रहे, काफी किसी बस्ती को ना छुए भाई, यहाँ पर छूना वर्जित नहीं है, और यहाँ पर दिखाओ ये गुरुजी कथा करते हुए नजर आ बैठे हैं, यहाँ पर देखो ये दृश्य दिखाओ थोड़ा सा, ये गुरुजी की माता पिता को दिखाओ, यहाँ माता पिता देख पा रहे भाई, ये माता पिता को दिखाओ, गुरुजी की माता पिता थोड़ा जूम करो, जूम करके दिखाओ माता पिता को, ये माता पिता देख पा रहे गुरु जी की आशीर्वाद दीजिए, जय हो प्रभु, जय हो।
आओ। प्रभु जी कुछ बताएंगे यहाँ के बारे में, थोड़ा सा जानकारी जी। आपका कौन सा यूट्यूब चैनल है? ये सुरेश के ब्लॉग जी। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। सर हमारे परम पूजनीय गुरुदेव प्रभु की जीवनी यहाँ पर, ताकि आमजन को इस प्रदर्शनी, इस झांकी के, झांकी से एक प्रेरणा मिले और गुरुदेव के जीवन के बारे में वो लोग समझे जी। तो यहाँ से जब शुरुआत में आपने प्रवेश किया होगा, यहाँ पे गुरुदेव का प्रथम जो जन्म स्थली थी उसको परिदृश्य किया गया है। अच्छा, कि वो किस अभाव में 1996 में उनका जन्म हुआ था। हम जन्म नहीं कह सकते, अवतरण कह सकते हैं कि ऐसे दिव्य आत्मा और दिव्य पुरुष जो भगवान स्वरूप है हमारे लिए, वो जन्म नहीं अवतरण लेते हैं। तो उनका जन्म 1996 में हुआ था और गरीबी और अभाव में वो जीवन ग्रस्त का ग्रस्त रहा है। और आगे उनकी शिक्षा यही हुई है, और जो माध्यमिक शिक्षा और हाई स्कूल की शिक्षा है गंज में हुई है। और आगे इसी प्रकार क्रम में उनके दादा गुरु ने उन्हें मार्गदर्शन दिया, आशीर्वाद दिया, और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए उन्होंने जन सेवा, मानव सेवा और कन्या विवाह और अन्नपूर्णा भंडारा, गौ सेवा, ये सब कार्य को बढ़ाते हुए, दरबार लगाते हुए, कथाओं के क्रम में चलते हुए एक हिंदुत्व की अलग जगाने के लिए, जो हमारे भ्रमित लोग हैं हिंदू में, जो प्रलोभन में आके अपने पंथ को, हम उसको धर्म नहीं कह सकते, किसी दूसरे पंथ में चले जाते हैं, उनकी घर वापसी हो रही है, वो सिर्फ उनकी प्रेरणा से, उनके आशीर्वचनों से हो रही है, वो किसी को जबरदस्ती नहीं बुलाते हैं। और हमारे गुरुदेव इसी तरह चेतना जगाते हुए और आगे बढ़ते हुए और चले जा रहे हैं, और सत्य सनातन धर्म की अलग जगाते जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, 155 कन्या विवाह भी करा। 151 का हमारा लक्ष्य था, जिसमें कुछ ऐसी बच्ची आई हैं, जो ऐसी कन्याएं आई हैं जो बिल्कुल अति गरीब थी, जिनके माता पिता भी नहीं है, बच्चियां खुद अपना भरण पोषण कर रही हैं। इसके साथ साथ जो हमारे भंडार अन्नपूर्णा कहते हैं, ये क्या कहते हैं उसको, जो चढ़ावा आता है, जो छाती है, सब देखा है मैंने जी, उससे हमारे गुरुदेव प्रभु अपने जीवन में उसका उपयोग नहीं करते हैं, वो भावे की राशि है वो कन्या विवाह में लगा देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद आपसे बात। जय श्री राम। तो आप लोग भाई सुन रहे थे यहाँ पर गुरुजी के जन्म से लेकर सारे जो यहाँ पर प्रदर्शनी देख पा रहे हैं आप, ये गुरुजी की एक जन्म से लेकर, मतलब उनकी अवतार से लेकर सारा उनके आज की कार्यकाल तक पूरा दर्शाएगा यहाँ पर। तो इस दर्शन को करने के बाद कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम लिखिएगा, और ऐसे भव्य दर्शन करके आप भी तृप्त हो जाइए भाई। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा इस साइड भी एक दर्शन कराओ, वहां से वहां तक दर्शन कराओ। बेटियों की जो भी आप यहाँ पर देख पा रहे, एक मिनट, बेटियों की आप 155 बेटी को जो विदा कर रहे गुरु जी पूरे उपहार के साथ, आप देख पा रहे यहाँ पर बेटियों को भाई उपहार देते हुए नजर आ रहे, वो दर्शाया गया। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर के साथ कमेंट में जय बागेश्वर धाम, गौ सेवा बड़ा महत्व है। आप देख पा रहे गुरु जी गौ सेवा करते हुए नजर आ रहे यहाँ पर। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा भाई। किस चीज का रसीद काटा जा रहा है थोड़ा बता, कन्या विवाह के लिए, अन्नपूर्णा के लिए, अगर दान दक्षिणा देना चाहे तो हाँ वो कर सकते हैं। तो आप लोगों को यही चाहते हैं कि भाई इस वीडियो को ये गुरुजी का देख पा रहे ये नाम भी लिखा 23 नंबर। अच्छा, ये सभी जो विवाह हो रहा है उसके ये एग्जीबिशन में रखे हो। हाँ। तो यहाँ पर ये तस्वीर का मतलब है भाई, यहाँ पर सभी पे नंबर दिया हुआ है, 23 नंबर का है। हाँ, और ये हाँ 5000 की है, 5000 की है। तो ये दान दक्षिणा जो भी भाई करना चाहे, और यह कन्या विवाह के लिए 100 ऊपर देखा, थोड़ा सा टेंट दिखाओ भाई, ये भव्य दर्शन कराओ, ये भव्य दर्शन। अंकल कहाँ से हो आप जी? हम संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। के पास प्रधाना के रहने वाले, बड़े ही दुखित परिवार थे। बालाजी की कृपा से वो पिछली बार हमारे साथ यहाँ 10 दिन का प्रोग्राम किए, 10 दिन वो रहे, हम लोग यज्ञ के समय ही आए, और उनको 16 साल शादी हुए हुआ था, कोई औलाद नहीं था। अभी यहाँ से आराम मिला उनको,
यहाँ से आराम किया। अभी 17 जनवरी को उनको लड़का पैदा हुआ बागेश्वर धाम की जय। तो ऐसे भी कार्यक्रम, मैंने कल उनको बधाई दिया इसी भोजन पंडाल से प्रसाद वितरण करते हुए। मैडम हमारी पूछी कि जरा हाल लीजिए उनका क्या। बहुत बढ़िया। और उसके बाद दूसरा खबर मैं बताऊँ आपको, दूसरी खुशी ये है कि मेरे खुद की परिवार से, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, उन्हें जब बाबा जी बुला लेंगे उस रूप में तब फिर मैं उसका इंटरव्यू दूंगा। लेकिन इतनी खुशी है जिसका हद हिसाब नहीं, दुना रात चौगुना ये विकास करें जिससे हमारे मातृभूमि की, हमारे भारतवर्ष की पहचान पूरे विश्व में रोम रोम में हो जाए। चलो बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। फ्री का सारा सेवा यहाँ का फ्री का है, एक पैसे का कोई शुल्क नहीं है। इस लिहाज से ये सबसे उत्तम स्थान है, सबसे बड़ा, ये बहुत बढ़िया धाम है। वो बोलो बागेश्वर धाम की, आओ थोड़ा सा यहाँ पर तस्वीर ले ले। इस समय बागेश्वर धाम पे मौजूद है और अभी आप देख रहे हैं भाई गुरुजी की, यहाँ पर बागेश्वर धाम पर गुरुजी के जन्म से लेके 1996 से लेकर अभी गुरुजी के अभी तक का कार्यकाल पूरा दिखाया गया। जो आज 155 बेटियों की शादी यहाँ पर गुरुजी करा रहे और यहाँ पर जो दर्शनात्री आए हुए हैं गुरुजी की प्रदर्शनी में, जो गुरुजी आज जीवन काल दिखाया यहाँ पर जो प्रदर्शनी के रूप में दिखाया, सारे लोग यहाँ पर, मुझे तो कैसा लग रहा है आप लोगों को बताइए। श्री बागेश्वर धाम की जय श्री राम, जय श्री राम। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर के साथ कमेंट में जय बागेश्वर धाम लिखिए।